गोरखनाथ मंदिर में बुढ़वा मंगल पर लगने वाले मेले को संपन्न कराने के लिए पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि बुढ़वा मंगल को संपन्न कराने के लिए जनपद की पुलिस, बाहरी जनपद की पुलिस व पीएससी की तैनाती मंदिर परिसर में की गई है और खिचड़ी मेले की तरह बुढ़वा मंगल को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए जूते चप्पल का स्टॉल, मोबाइल टॉयलेट तथा मेले में श्रद्धालुओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए अलग से टीम बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मेले में स्थायी थाने का भी निर्माण किया गया है, जिससे कि कोई व्यक्ति कहीं गुम हो जाता है तो वह मेले थाने पर आकर अपने परिजनों का नाम बताकर अलाउंस करवा सकता है, जिससे वह व्यक्ति अपने परिजनों से मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, बुढ़वा मंगल को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, बुढ़वा मंगल को लगा करके स्थानीय पुलिस, जनपद के बाहर की पुलिस और पीएससी तैनात की गई है और खिचड़ी मेले की तरह हम इस त्यौहार को भी सकुशल संपन्न करेंगे। इसके लिए हमने अलग अलग ड्यूटियां लगाई हैं, इसमें डीडीएमएस ऐप का भी प्रयोग किया जाएगा। सर, नागरिकों की सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं? नागरिकों की सुविधा के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है वहाँ पर, जैसे वहाँ जूते चप्पल के स्टॉल लगाए गए हैं और वहाँ पर मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त मेले में सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सीसीटीवी के साथ लैस रहेगी, उसको हम लोग देखते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। किसी को कोई भी समस्या आती है, कोया पाया की समस्या आती है, उसके लिए केंद्र बनाया गया है, वहाँ पर व्यक्ति जा करके अपना वो देख सकता है कि अगर कोई समस्या है उसको रिपोर्ट कर सकता है।